नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर मथुरा उत्तर प्रदेश से आ रही है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में साधु का शव मिलने पर सनसनी फैल गई और पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए अन्य साधु को सौंपा। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में विगत 3 दिनों में दूसरा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि राधाकुंड परिक्रमा मार्ग स्थित रघुलीला धाम के पास एक साधु भेषधारी का शव पड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव की शिनाख्त कराई गई। तो शव पास में ही एक आश्रम में रहने वाले साधु का निकला, जो कि 2 साल से यहीं रहकर पूजा पाठ करता है। मृतक साधु का नाम रामदास निवासी बांदा मध्य प्रदेश का है, जिसकी उम्र करीब 60 साल बताई गई है। पुलिस ने साधु के शव को आश्रम के महंत को उसकी अंतिम क्रियाओं के लिए सौंप दिया है। एक अन्य साधु ने बताया कि मृतक साधु रात को परिक्रमा करने निकला था। मृत्यु कैसे हुई इसका कोई पता नहीं चला है। लाला, इनका नाम है रामदास जी, बांदा जिले के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ आते थे, सुबह गाय की सेवा करते थे, भोजन प्रसाद पा के चले जाते थे, परिक्रमा देते थे। रात में कहाँ रहते थे हमें नहीं पता। सुबह आते थे, प्रसाद पा के 12 बजे के बाद चले जाते थे। आज अचानक पुलिस वालों ने हमें सूचना दी कि बाबा, जो बाबा तुम्हारे यहाँ भोजन करता था, सेवा करता था, उसका शरीर छूट गया है बागड़ी ब्याव तिराहे के पास। तो मैं गया, पुलिस वालों ने पूछा आप इनको जानते हो? हम कहे हाँ हम जानते हैं। बोले फिर इनका अंतिम संस्कार करोगे? हम कहे बिल्कुल करेंगे। तो राधाकुंड पुलिस चौकी इंचार्ज साहब ने एसओ साहब से अनुमति लेके इन्हें हमें सौंप दिया। अब जो भी इनका है करेंगे, हिंदू रीति रिवाज से जो भी हमारे संतों में होता है इनका सारा संस्कार हम करेंगे अपने हाथों से। यही हरी इच्छा, भगवान इन्हों इन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम ईश्वर से यही कामना।